स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम सहनावतु सहनौ पुनः
शावहै ॐ शांति शांति शांति। आने वाले 30 मिनट के लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं। मैं अपने फोन को साइलेंट मोड पे कर रहा हूं। हिंदी में बोलूं भाई? हिंदी नजदीक आ जाओ बेटा, क्योंकि मुझे पता है लोग आएंगे और वो बाद में फिर जुड़ते जाएंगे, हमें डिस्टर्ब ना होना पड़े। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। प्रिय स्वजनों, अभी यहां आ रहे थे, लैंडमार्क के ऑफिस में पधरामनी करके, आरके लैंडमार्क, गाड़ी में आदरणीय सर्वानंद भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पिछले 3 वर्षों से प्रतिवर्ष राजकोट को जो लाभ मिल रहा है, हमारे प्रिय राजू भाई पोबारू ने जो आरंभ किया राम कथा से, फिर पिछले वर्ष इसी दिनों में हरीश भाई लाखानी परिवार ने भागवत कथा की, इस समय पाला परिवार की ओर से कथा है। तो सर्वानंद भाई ने कहा कि प्रतिवर्ष जो एक क्रम सा हो गया, कथा कराने वाले कथा करें लेकिन सर्वानंद भाई के वहाँ लाभ पंचमी या इसके आजू बाजू वाले कोई दिन दिवाली का स्नेह मिलन भी हो जाए। प्रत्येक नया वर्ष एक नया उत्साह, नई आस, नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आता है और वो आना भी चाहिए, क्योंकि जीवन वृद्धि का नाम है। लाइफ इज टू ग्रो, लाइफ इज नॉट जस्ट टू सस्टेन। आप सब लोग आ रहे थे, मुझे परिचय कराया, कई सारे डॉक्टर्स बैठे यहां पर। तो जीवन का ग्राफ नॉर्थवर्ड ऊपर की ओर जाना चाहिए। केवल सरल जाएगा ना तो वो जीवन नहीं होता। मैं मजाक में कई बार कथाओं में दृष्टांत देता हूं, कोई स्वजन अस्पताल में हो, बीमार हो, विशेष करके आईसीयू में हो, डॉक्टर सूचना देते हैं परिवारजनों को कि उनको डिस्टर्ब मत करना, हो सके उतना उनको आराम मिलना चाहिए, लेकिन परिवारजनों की स्थिति इतनी विकट होती है क्योंकि मिलने वाले जो स्वजन आते हैं वो आग्रह रखते हैं कि हमें तो मिलना है, कम से कम चेहरा देख लें। इन लोगों को मैं सोशल टेररिस्ट कहता हूँ, सामाजिक आतंकवादी। अमे छेक माधा पर थी आयवा छे, मोढ़ू तो जोई लई। अरे इनको आराम करना है, उनको इसीलिए तो आईसीयू में रखा है। हम जामनगर से आए हैं बस। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वहां पर सेल्फी लेते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि इनको मिल के आए, तुम भी जाना। अब जब देखने जाते हैं आईसीयू में, क्या देखते हैं? पेशेंट तो अमूमन सोते हैं या तो बेहोशी में होते हैं, पेशेंट को तो ख्याल होता नहीं। अलग अलग प्रकार की ट्यूब्स सब लगी हुई हैं और उसके सब मशीन्स लगे हुए हैं, मॉनिटर्स। तो ये आईसीयू में जाने वाले को आप ऑब्जर्व करना, वहाँ जाएंगे, पेशेंट को जरा ऐसे छुएंगे, फिर पता है कि वो तो सो रहे हैं, उनको तो कुछ पता नहीं। तो हमने तुमने याद किया,
फिर वो वहाँ खड़े रह करके वो मॉनिटर्स देखते हैं। अब मॉनिटर्स में क्या होता है वो तो डॉक्टर्स जाने, हमें क्या पता, वी आर लेमैन। लेकिन मॉनिटर्स में वो जो ग्राफ ऊपर नीचे जाता है वो देखते हैं, और इतना पता है कि जब तक वो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहे तब तक ठीक है। वो ग्राफ यदि ऊपर नीचे होना बंद हो जाए और सीधी लीटी में चलने लगे तो इमरजेंसी है। इतनी बात तो सबको पता है। बस जीवन में भी ये रखना, जीवन का ग्राफ ऊपर जता रहे, कभी कोई चैलेंज आए, कभी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आए, थोड़ा नीचे आए कोई चिंता नहीं, वापस ऊपर जाएंगे, लेकिन सीधी लीटी में नहीं चलना चाहिए। वो सीधी स्टेग्नेंसी इज नॉट गुड। जीवन एक आस है, जीवन एक विकास है, जीवन एक ऊर्जा है, और नूतन वर्ष में तो ये खास है। आशा, गुजराती में आपने कहवा है आशा अमर छे, आशा से जीवन। पीछे आवाज बंद करा दो, आवाज नहीं होनी चाहिए पीछे। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मैं पढ़ रहा था, आशा की शक्ति कितनी है। प्रिय सुजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने यह प्रयोग किया। प्रयोग थोड़ा, अब जब पशु के ऊपर प्रयोग करते हैं तो हम जीव दयावादी लोगों को कभी कभी होता है कि पशु को इतनी पीड़ा क्यों, लेकिन पशु को इतनी पीड़ा क्यों ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन जीवन के कुछ रहस्यों को समझने के लिए रिसर्च साइंटिस्ट को यह करना पड़ता है। प्रयोग चूहे के ऊपर हो रहा था, जिजीविषा क्या होती है, लाइफ फोर्स, होप फॉर लाइफ। तो चूहे को एक पात्र के अंदर रखा और उस पात्र में पानी डालते गए। स्वाभाविक है कि चूहा जब पानी उसके ऊपर दे जाने लगेगा तो चूहा बचने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि बचे, हाथ पैर, उसके जो चार पैर है वो पछाड़ेगा, पूंछ को ऊपर नीचे करेगा, वो देखते रहे। लेकिन कितना करेगा वो, चूहा छोटा सा जीव है, 10-15 मिनट में तो बेचारा थक जाता है और फिर डूबने लगता है पानी में। डॉक्टर्स देख रहे हैं, वो रिसर्च साइंटिस्ट, अब लगता है कि इसका प्राण बस जाने को है। उस समय उस चूहे को उठा लेते हैं, वो बिल्कुल थक गया, हाथ पैर पटक के, पूंछ पटक के, तो उस चूहे को उठा लेते हैं, उसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा उसको विश्राम देते हैं, बाजू पे बिठाते हैं, सहलाते हैं उसको, और 10-15 मिनट उसको जैसा लगा कि उसकी थकान दूर हो गई, चूहे को लगा कि हाँ अब मैं जीवित हूँ, पानी में से बाहर निकल गया, अब कोई डेंजर नहीं है, वापस पात्र में रख के वापस पानी भरने लगते हैं। फिर जब चूहा अब पहली दफा में 15 मिनट में थक गया था, दूसरी बार जब करते हैं तो वो आधा घंटा हाथ पैर पटकता है, क्योंकि पहली बार का अनुभव चूहे को याद है, मैं बिल्कुल मरने की कगार पर था तब मुझे निकाल लिया गया था, मैं बच गया था। तो इस वक्त उसको आशा है कि इस वक्त भी कोई मुझे बचा लेगा, कोई निकाल लेगा बाहर। आधे घंटे तक वो प्रयास करते रहता है, और जब डॉक्टर्स को लगता है कि अब ये उसकी अंतिम सांस है, अब थक गया है बेचारा, खत्म हो जाएगा, वापस उसको बाहर निकाल लेंगे, वापस उसको पोछेंगे, थोड़ा कुछ खिलाएंगे, आराम दिलाएंगे, और जब उसको चूहे को लगा कि हाँ स्वस्थ हो गया, वापस उसी चूहे को पानी में। प्रिय स्वजनों, पहली बार जो चूहा 15 मिनट में जीने की आस खो देता है, मरने की कगार पर आ गया, पहली बार में जिसको केवल 15 मिनट में बाहर निकाल लिया, ये प्रयोग जब करते गए, आपको पता है चूहा उस पानी में कितनी देर तक जी सकता है बाद में? एनी आइडिया, एनी गैस, वाइल्ड गैस, कितनी देर तक जिएगा वो खींच खींच के? पहली बार में 15 मिनट, दूसरी बार में आधा घंटा, अधिक से अधिक कितना जी सकता है ये चूहा, स्ट्रगल कितनी कर सकता है वो बेटा, अंदाजे से? हाँ, एक घंटा, कितने,
यू आर डॉट, लेकिन 60 डेज नहीं 60 आवर्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रयोग किया 60 घंटे तक, मतलब वो और ज्यादा बार नहीं, 4, 5वीं या 6ठी बार में, ऐसा भी नहीं कि एक बार में 15 से 30 हुए तो दूसरी बार में 30 से 45 हुए, ऐसे नहीं, 5वीं या 6ठी बार में वो चूहा 60 घंटे तक, मतलब 2.5 दिन तक स्ट्रगल करता है और वो बचता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है 5 बार मुझे निकाला गया है तो 6ठी बार भी कोई निकाल लेगा मुझे। प्रिय स्वजनों, एक छोटा सा जीव चूहे में ये आशा इतनी बड़ी ऊर्जा है, आशा इतनी बड़ी शक्ति है। चूहे में यदि एक आशा हो और वो 60 घंटे तक जी सके, हम तो मनुष्य हैं, बस बाद में अब सब बात, आप बैठ जाइए बस, हम तो मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, संवेदनशील हैं। यदि हम ये आशा की ऊर्जा का प्रयोग करें, मेरे प्रिय भाई और बहनों, होप इज अ वेरी बिग एनर्जी जीवन में प्रगति करने के लिए। मैं फिर से कहूं, चैलेंजेस आएगी, देर विल बी रफ टाइम्स, लेकिन उससे हिम्मत मत हारना। आशा यदि हमारे भीतर रहेगी तो अस्तित्व ने हमें इतनी ऊर्जा दी है कि हम जीत सकते हैं। और ये जीतने का उपाय क्या है, ये जीत कर करना क्या है, ये जीत कर हमें हमारे मानव जन्म को सफल करना है। क्योंकि एक बात तो याद रहनी चाहिए, ना हम पशु हूं, ना हम पक्षी ही, अहम मनुष्य। हम पशु नहीं है, हम पक्षी नहीं है, हम मनुष्य हैं। पाला परिवार ने जो कथा का आयोजन किया था, मैंने पहले या दूसरे दिन कथा में कहा, ये बहुत गलत थियरी हमें सिखाई गई। आप सब लोग एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, इसलिए खास कहता हूं। साइंस में हमें पढ़ाया गया, बायोलॉजी में इवोल्यूशन थियरी, और उसमें डार्विन की इवोल्यूशन थियरी, और हम सब ने क्या पढ़ा कि मनुष्य कहां से आया। मनुष्य पहले क्या था? बंदर था, वानर था, और वानर में से फिर इवॉल्व होकर के हम मनुष्य बने, होमो सेपियन बने। प्रिय सुजनों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। वेस्टर्न साइंटिस्ट ने ही ये डार्विनियन थियरी को गलत पुरवार किया। आपने कभी सिखाया गया, पुस्तक में पढ़ाया गया, हम रटते गए, एग्जाम में लिख भी दिया, पास भी हो गए, बंदर में से मानव बने। यदि बंदर में से मानव बना होता तो अभी कोई बंदर मानव क्यों नहीं बनता? वही कुछ लाखों वर्ष पहले बन गए। सुना आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जंगल में से 200 बंदर राजकोट में आ गए कि भाई हम इवॉल्व होके अभी मानव बने हैं, लाओ जरा हमें भी आरके में 2 बेडरूम का एक फ्लैट निकाल के दो, हम इवॉल्व हो गए, मनुष्य बन गए, सजावट वाले जरा हमारे घर का भी सजावट करो, हमारा भी सेलिब्रेशन करो, हम इवॉल्व होके आ गए मनुष्य बन के, जरा हमारे कपड़ों की व्यवस्था करो। क्यों नहीं बनते? झूठ है ये। मनुष्य बंदर में से नहीं बना है, मनुष्य परमात्मा की कृपा का परिणाम है। ये सनातन वैदिक संस्कृति कहती है, क्योंकि बंदर में से बने तो फिर कुछ संस्कार लेकर बैठना पड़ता है, और कुछ गलत बातें करो तो जस्टिफाई भी करना पड़ता है, ये तो हो गया ना, बंदर से आए हैं, लेकिन वो जस्टिफाई कभी मत करना, बंदर से नहीं आए हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जो मनुष्य है वो मेरा अंश है, मैं परमात्मा का अंश हूं, प्रभु की इच्छा का परिणाम हूं मैं। दूसरी बात, ये जो नेगेटिविटी धर्म के नाम पर चलती है, वेस्टर्न थॉट हम धर्म में भी ले आए, पापो हम, पाप कर्मा हम, क्योंकि
पश्चिम में जो धर्म का कॉन्सेप्ट था ना, वो पाप पर बेस था. सिन सिन सिन. एडम और ईव एक यंग कपल इडन गार्डन में गए, एप्पल दिखाई दिया और एक सहज क्रिया एक युवा पुरुष और युवती के लिए, वो जो उन्होंने की वो एप्पल खाया सिंबॉलिकली, और उसके बाद में जो हुआ वो सब पाप 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 और पाप. तो पश्चिम की पूरी विचारधारा पाप पर आधारित है. और फिर क्या किया, पाप का गिल्ट खड़ा किया और वो पाप को दूर करने के लिए धर्म की, चर्च की, ये सारी व्यवस्था की कि तुम तो पापी हो, पाप दूर करने के लिए आओ भी यहां पर. सनातन वैदिक संस्कृति की हम संतानें हैं, हम ऋषियों की संतान हैं. प्रिय स्वजनों, हमारे यहां ये पाप की बात नहीं है. हमारा धर्म गिल्ट के ऊपर नहीं खड़ा है, हमारा धर्म पुण्य के ऊपर खड़ा है. तो हम पापो हम पापकर्मा हम पापात्मा पाप संभव, ऐसी गरीब और निगेटिव बातें ना कहें कि मैं पाप रूप हूं, मेरे कर्म पाप रूप हैं, मैं पाप में से उत्पन्न हूं. पाप में से उत्पत्ति नहीं हुई हमारी. हमें कहना चाहिए पुण्यो हम पुण्यकर्मा हम पुण्यात्मा पुण्य संभव. हम पुण्यमय हैं, पुण्यमय कर्म करने के लिए हमारा जन्म हुआ है. कोई दिव्य संकल्प हमारे माता पिता ने लिया था कि एक दैवी जीव को हम संसार में ले आए जो हमारी पीढ़ी को तो आगे बढ़ाएगा, लेकिन हम जो सत्कर्म करते हैं वो सत्कर्मों को भी आगे बढ़ाएगा. हमारे यहां पुत्र और पुत्री समान हैं और संतान की व्याख्या की है, सम्यक तनोति इति संतान तनु विस्तारे. माता पिता ने जो अच्छी प्रवृत्ति की है उसको जो आगे बढ़ाए वो संतान है. तो ये धर्म कैसे उत्पन्न होता है? एक बहुत सुंदर छोटा सा श्लोक जिस पर अभी 15-20 मिनट चर्चा करें. नए वर्ष में स्नेह मिलन के रूप में सत्येनोत्पद्यते धर्मो, सत्येनोत्पद्यते धर्मो दया दानेन वर्धते, क्षमायां स्थाप्यते धर्मो क्रोध लोभाद विनश्यति. धर्म के बारे में चार बातें समझ लेना. धर्म की उत्पत्ति होती है सत्य से. सत्य के बिना धर्म संभव नहीं है. सत्य बहुत बड़ी शक्ति है. प्रिय स्वजन, सत्य की प्रत्येक को आवश्यकता है. सत्य सभी को अच्छा लगता है. जो व्यक्ति दूसरे के सामने असत्य का आचरण करता होगा वह भी अपेक्षा तो ऐसी रखेगा कि दूसरे लोग उसके साथ सत्य का आचरण करें. समझ लीजिए कोई वकील है, है यहां कोई वकील? लॉयर नहीं है तो अच्छी बात है. वो कहते हैं कि झूठ करना पड़ता है. कभी कभी वकील को पता होता है कि उसका जो क्लाइंट है ना उसका असल वो गलत है, उसने गुनाह किया है, फिर भी क्योंकि उसके फी लेनी है तो उसको झूठ मूठ करा के छुड़वा देते हैं उसको, और गौरव से कहते हैं था उसने गुनाह किया था फिर भी छुड़ा दिया. तो वकील को तो पता है उसने झूठ किया, गलत किया, कोर्ट में झूठ बोला, साक्षी के पास झूठ बुलवाया, ये सब उसको पता है. लेकिन ये वकील जब अपने घर पे आए और उसकी पत्नी या उसके संतान वकील के सामने झूठ बोले तो वकील खुश होगा, वाह वाह मेरे से भी चढ़ गए तुम लोग, मैं दुनिया को सामने झूठ बोलता हूं तुम मेरे सामने बोलते हो. वो वकील हमेशा अपेक्षा रखेगा कि उसकी पत्नी उसके संतान उसके सामने सत्य बोले. दो चोर या चार चोर भी होंगे उनको पता है कि वो पूरी दुनिया के साथ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो चार चोर आपस में तो अपेक्षा रखेंगे कि हम एक दूसरे के सामने प्रामाणिकता रखें. वो एक दूसरे के सामने अप्रामाणिकता करेंगे तो नहीं चलेगा. वो रखेंगे दुनिया के सामने अप्रामाणिकता करेंगे लेकिन हमारे आपस में प्रामाणिकता होनी.
याद रखो, जो असत्य का आचरण करता है वो व्यक्ति अपने लिए तो सत्य की ही अपेक्षा रखता है। सत्य की ये ऊर्जा है प्रिय स्वजनों, और ये सत्य से ही धर्म उत्पन्न होता है। तो ये सत्य किसे कहेंगे? सामान्य भाषा में लोग सत्य केवल स्टेटिंग द फैक्ट्स, हकीकत का बयान कर देना, उसको सत्य कहते हैं। ये अधूरा सत्य है। धर्म की संस्थापना, धर्म जिससे स्थापित हो, वो सत्य कौन सा? सते हितम सत्यम। प्रिय स्वजनों, केवल हकीकत का बयान कर देना वो सत्य नहीं है, लेकिन जो बोलने से वक्ता का और सुनने से श्रोता का कल्याण हो, उसको कहते हैं सत्य। और ये सत्य धर्म की स्थापना का कारण है। मैं आपको दृष्टांत देकर समझाऊं। समझ लीजिए, आपका पड़ोसी बुरा आदमी है। मैं सिल्वर शू के भाई विशाल भैया, अब यह सिल्वर हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजकोट की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर गांव की बात कर रहा हूं। समझ लीजिए, आपका पड़ोसी तो मैं सिल्वर हाइट्स की या राजकोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर गांव की बात कर रहा हूं। समझ लीजिए, आपका पड़ोसी बुरा आदमी है, अपने आंखों से देखा है सब, झूठ बोलता है, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, व्यसनी है, जितनी बुराइयां संसार में होती है वो सब उस व्यक्ति में है। आप दिन में 10-10 लोगों को बैठ करके ये वर्णन किया करें, मेरा पड़ोसी बुरा आदमी है, मेरा पड़ोसी व्यसनी है, मेरा पड़ोसी व्यभिचारी है, मेरा पड़ोसी भ्रष्टाचारी है। यू आर स्टेटिंग फैक्ट, आप हकीकत का बयान कर रहे हो, लेकिन ये वर्णन करने से आपका या जिसके सामने वर्णन कर रहे हो वो सुनने वाले का कल्याण होगा? नहीं होगा। तो आप हकीकत कह रहे हो, फिर भी शास्त्र की परिभाषा में इसको सत्य नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे धर्म की स्थापना होगी। आपने हकीकत का तो बयान किया ना, लेकिन इससे धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? सते हितम सत्यम, जो बोलने से वक्ता का और सुनने से श्रोता का कल्याण हो वो सत्य है। कल हमने भागवत कथा में गिरिराज धरण की कथा की, गोवर्धन लीला आप सब जानते हैं। अब कई बार ये प्रश्न लोगों के मन में होता है, इज इट पॉसिबल, कैन इट बी अ रियालिटी? भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन धारण किया, ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, क्व सप्ताहायनो बालक क्व महाद्रिविदारणम ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। व्रजवासी पूछते हैं, कहां ये 7 वर्ष का बालक और कहां इतना बड़ा पर्वत उठाने का पराक्रम? इज इट पॉसिबल? 7 वर्ष का बालक 20 किलो वजन नहीं उठा सकता, पर्वत उठाएगा। पर्वत उठाएगा 7 वर्ष का बालक, ये कैसे संभव है? सभी धर्मों में ऐसी कोई, अब ये चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, मैं आज कथा में करूंगा वो चर्चा, मैं केवल आपके मन में एक प्रश्न छोड़ देता हूं, ये कैसे, ये सत्य है, कैसे है वो भी लॉजिकली मैं समझाता हूं, कथा में साइंटिफिकली समझाता हूं। लेकिन एक बात है कि इस बात पर श्रद्धा रखते हुए हमें लगता है कि जो 7 वर्ष का बालक गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, वो भगवान श्री कृष्ण मुझे भी उठाएगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मेरा हाथ थामेगा। ये हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है, हमारा कल्याण होता है। कई बार हम संतों के बारे में सुनते हैं ना, कहां दूर जाने की जरूरत है, राजकोट से वीरपुर हमारो जलियान,
जितने लोग आए भोजन और कभी किसी से मांगा नहीं, झोली में से निकाल कर देते गया, देते गया, देते गया। विश्व का सबसे प्रथम मंदिर है। आप विश्व के रिचेस्ट टेंपल के बारे में गूगल करो, मिलेंगे, ये मंदिर में इतनी वेल्थ, ये मंदिर में इतनी प्रॉपर्टी, ये मंदिर में इतना, ये जमीन इतनी है। लेकिन विश्व का सबसे उदार मंदिर यदि होगा तो हमारो वीरपुर नो जलियान। जो कह सके कि यहां पैसे मत रखना, बाकी सब यहां रखो, पैसा दान पेटी में रखो, इधर रखो, रसीद लिखवाओ, ये करो, और यहां अनाउंसमेंट होती है कि मत दो, व्यक्ति सामने से आकर के कहे कि हमें देना है, तो कहां आपके जहां आसपास कोई अच्छी प्रवृत्ति हो वहां खर्च कर देना, यहां मत दो। अच्छा, मत दो कहने के फिर बंद करने वाले लोग होते हैं कि भी हमें आप सब समेट लेना है, पूरा करना है, इसलिए मत दो। नहीं, सत प्रवृत्ति तो चालू रहेगी, हरिहर तो चालू रहेगा, और मत दो। कहां से आता होगा, कौन देता होगा, कितनी श्रद्धा होगी। कलयुग में यह संभव है, 21वीं सदी के तीसरे दशक में एक 5 लोगों का परिवार भी चलाना हो तो प्लानिंग करना पड़ता है। ये महीने की व्यवस्था हो गई, अगले महीने का क्या करेंगे। और ये बातें प्रिय स्वजनों हमारी श्रद्धा को दृढ़ करती है। मेरे घर में रोटी नहीं आएगी, फिर अवश्य आएगी। यदि प्रभु पर श्रद्धा रखूंगा तो प्रभु मुझे भूखा नहीं रखेगा, ये सत्य है प्रिय स्वजनों। और ये सत्य से धर्म टिकता है, धर्म की उत्पत्ति होती है, सत्येनोत्पद्यते धर्मो। धर्म प्रकट हुआ, अब बढ़ेगा कैसे, तो कहा 2 बातों से धर्म बढ़ता है। जैसे बालक का जन्म हो, फिर बालक एक हाथ माँ का पकड़े और दूसरा पिता का पकड़े और बालक बड़ा होते जाता है, ऐसे ये धर्म जब सत्य से उत्पन्न होता है, दया और दान से बढ़ता है। दया दाने न वर्धते। दया, उसको केवल पीटी का अनुवाद मत करना, दया है करुणा, कंपैशन। दूसरे की वेदना जब उसकी न रहे हमारी बन जाए, दूसरे की वेदना, जब तक दूसरे की वेदना बनती है तब तक वो समाज सेवा है, अच्छी बात है, आवश्यक है वो करना, लेकिन उसको बहुत ऊंचा स्थान नहीं देते। रास्ते से आप गुजर रहे हो, नुक्कड़ पे कोई गरीब बैठा हुआ है, भूखा है, बीमार है, तो उसको दे, पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं है, और वो आपके सामने आकर के हाथ फैलाए, सेठ जी कुछ दे दो, और आपके मन में गुजर की जेब में से 10, 15, 20, 50, 100 जो नोट निकले आप दे दो उसको। ये दया, ये टेम्पररी चीज है, परिस्थिति जन्य है। एक सिचुएशन ऐसी हुई, आपका वहां से निकलना, उस भिक्षुक का वहां पर बैठना, आपके सामने उसका हाथ फैलाना, ये सिचुएशनल है। आप वहां से निकलते, भिक्षुक ना बैठता तो आपको दया आती नहीं आती, भिक्षुक वहां बैठा होता आप ना निकलते तो भी ना आती। आप वहां से निकलते, कुछ फोन पे बात करते करते निकल जाते, वो मांगता भी रहता, आपका सुनाई भी नहीं पड़ता, तो भी आप कुछ ना देते। ये पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपको, लेकिन वो टेम्पररी है। उस व्यक्ति की वेदना जब हमारी वेदना बने, वो करुणा का भाव जब आता है ना प्रिय स्वजनों, तब धर्म बढ़ता है, धर्म में वृद्धि होती। और वो कब होगा, जो ईश्वर मेरे भीतर है वही ईश्वर उसके भीतर भी है। द ड्राइविंग फोर्स इज द सेम। ये भावना जब आए, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये भावना जब आए तभी दया का भाव संभव है, और तब व्यक्ति राम भाई से। ये भाव जब आए तभी प्रिय स्वजनों, व्यक्ति दान करने के लिए हाथ आगे फैलाता है।
नहीं तो दया आकर के केवल अंतःकरण में सीमित रह जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। जब शेयर, टू डोनेट इज टू शेयर, और बिना किसी अहंकार से देना, कर्तव्य समझ कर देना। सौराष्ट्रनी धरती में बैठा छी। दान का एक प्रसंग मुझे बहुत पसंद है। सौराष्ट्र के किसी एक स्टेट के राजवी बहुत छोटी उम्र में गद्दी पर आए, और बहुत छोटी उम्र में जब गद्दी पर आए, परिस्थिति ऐसी हुई कि 4-5 वर्ष अकाल के पड़े, और ये राजवी देते गए सबको, जो भी आए जो मांगे उसको दे देते थे। प्रधान जी वयोवृद्ध थे, अनुभवी थे, इनके पिताजी, उनके दादाजी के साथ भी प्रधान के रूप में काम किया था उन्होंने। उन्होंने जब देखा कि ये यंग राजवी जो आए हैं और वो सबको देते जा रहे हैं, तो प्रधान जी ने थोड़ा सा सावधान करते हुए कहा कि राजवी, राजा जी अब जरा मुट्ठी बंद करो। वो राजा कहते, कैसे करूं मैं बंद, अकाल पड़ा है, लोग भूखे हैं, गरीब हैं, मैं कैसे मुट्ठी बंद करूं। प्रधान ने कहा कि आप देते रहोगे तो लोग तो आते रहेंगे, मांगते रहेंगे लोग तो। और प्रधान ने गुजराती में एकदम सौराष्ट्र की भाषा में कीधु, बापू ये तो एवं है ने, गोड़ हो ने माखी आवे, गुड़ जहां होगा वहां मक्खी आएगी। अच्छा, रात हुई, आधी रात को राजा ने आदमी को भेज कर कहा, जरा प्रधान जी को बुला लीजिए। प्रधान जी आए, उन्होंने सोचा आधी रात राजा को क्या आवश्यकता पड़ गई। एक प्लेट के ऊपर कपड़ा ढांक के रखा था। प्रधान जी ने पूछा, राजा क्यों बुलाया? कहता, ये जरा कपड़ा हटाओ, हाँ प्लेट है, क्या है उसमें? कहा, गुड़ और मक्खी। प्रधान जी कहते, नहीं है। राजा ने कहा, आप तो कहते थे गौड़ होए त्या माखी आवे, क्या छे? तो कि ना बापू, ये तो सूरज तपतो होवो जोइए। एम ने राजवीए कहू, ज्यां सुधी मारा ऊपर प्रभु कृपानो सूरज तपे छे त्यां सुधी हूँ दई दऊं, ये सूरज आत्मी जशे, गोड़ एमनो एम पड़ो रहेशे, एके माखी नहीं आवे। तो जहां तक हमारे पास शक्ति है प्रिय स्वजनों, हम शेयर करें। और याद रखना, देने से कभी किसी का कुछ कम नहीं होता है। सत्कर्म में जितना उपयोग करोगे, मानव सेवा के लिए जितना उपयोग करोगे, जीव दया के लिए जितना उपयोग करोगे, मानव की चेतना के उत्थान के लिए जितना आप अपना, और केवल संपत्ति का उपयोग करना ही मत समझ। लोग दान का अर्थ केवल इतना समझते हैं, पैसा निकाल के देना। जिसके पास आर्थिक शक्ति हो वो दे, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन और भी बहुत सारी बातें आप दे सकते हैं। और आज के युग में प्रिय स्वजन, ये दान, मैं जिस वर्ग के सामने बैठा हूं उसकी बात करूं, गरीबों के दर्द दूर करना अच्छी बात है, बरसों से मैं, आप, हम सब लोग करते आए, और जहां मौका मिले वो करना भी आवश्यक है। लेकिन आधुनिक युग के लिए एक नई बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुखी लोगों के दुख को दूर करना सरल है, सुखी लोगों के दुख को दूर करना बहुत कठिन होता है। और आज के युग में जो आवश्यक है, दुखी लोगों के दुख अब उतने रहे नहीं। एक ही बात कहूं, फरवरी मार्च 20 में कोरोना आया, महामारी आई, अचानक से सब बंद हो गया, दुनिया पूरी ठप हो गई। हमारे यहाँ काम करने वाले मजदूर कारीगर सब काम का छोड़ के अपने अपने गांवों में चले गए। 2 साल तक कोई काम धंधा नहीं था, इनकम उनकी बंद हो गई। 2 साल में प्रिय स्वजनों, आपने
कहीं समाचार में, न्यूज़पेपर में, टीवी में पढ़ा सुना कि ये व्यक्ति भूख से मर गया। एक भी व्यक्ति हमारी भारत सरकार ने, केंद्र में 80 करोड़ परिवार को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राम भाई, बराबर है, 80 करोड़ परिवारों को घर बैठे हुए अनाज पहुंचाया, उनके पेट को भरा है और अभी भी चल रहा है वो। अभी पांच साल और बढ़ा दिया नरेंद्र भाई ने अनाउंसमेंट करके। 80 करोड़ फैमिलीज, सोचो जरा, 80 करोड़ लोग होंगे शायद फैमिली, 80 करोड़ लोगों को घर बैठे अनाज पहुंचाया है। तो इसका अर्थ, पहले जो हम समझते थे कि भूखे को अनाज दो, अभी भी मौका मिले तो देना प्लीज, मेरे मिसअंडरस्टैंड मत करना मेरी बात को, लेकिन अभी उतनी आवश्यकता नहीं है बिकॉज द सिस्टम इज वर्किंग अंडर द एबल लीडरशिप एंड अ वंडरफुल पीपल। तो ये हो रहा है। शुरुआत में हम लोगों ने अन्नदान किया, फिर पूरे 2 साल तक हमें जरूरत नहीं पड़ी ऐसा करने की। आज से 20-25-30 साल पहले हम थोड़े से शहर को छोड़कर रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में जाएं तो फटे हुए कपड़े पहने हुए लोग मिलते थे, हमारी गाड़ी के पास आकर एकदम खड़े रह जाते थे कुछ दो। आज फैशन के लिए फटे हुए कपड़े लोग पहने तो बात अलग है। बाकी मुझे तो फटे कपड़े वाले लोग दिखाई नहीं पड़ते गांवों में, सही बात है सरवन भाई। दुखी लोगों के दुख कम होते जा रहे हैं प्रिय स्वजनों, अब सुखी लोगों के दुख बढ़ते जा रहे हैं। वेल फर्निश्ड घर के अंदर एयर कंडीशन बेडरूम के मेमोरी फोम वाली गद्दी पर लेटे हुए व्यक्ति की आंख में आंसू नहीं है, टॉसिंग एंड टर्निंग करते हुए रात बीतती है, विचार 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 चलते रहते हैं। और ये दुख ऐसे हैं वो किसी से कह नहीं सकता, कहने जाए तो लोग मजाक करते हैं, तमने वाले शू प्रॉब्लम, लोग ऐसा कहेंगे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और उसको जो प्रॉब्लम है वो वही समझता है, उसकी चिंता, विशेष करके उसके संतानों की चिंता, उसकी सिक्योरिटी की चिंता, जो जो है उसकी चिंता। अभी जो समय है ना प्रिय स्वजनों, ये सुखी लोगों के दुख को दूर करने का समय है। दुखी लोगों का दुख दूर करना सरल था, थोड़ा सा अनाज दे दिया, थोड़ी दवाई बांट दी, थोड़े पैसे दे दिए, उनके बच्चों की स्कूल की फी भर दी, उनके लिए स्कूल कॉलेज हॉस्टल बनवा दिए, सरल था ये। सुखी लोगों के दुख दूर करने के लिए ये बांटने से नहीं चलेगा, अब यहां पर केवल विचार चाहिए और वो भी शास्त्र के प्रभावी विचार चाहिए। दैट इज वेयर रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी कम्स इन टू प्ले। इसलिए आधुनिक युग में जितनी धर्म की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता कदाचित पहले कभी नहीं थी। पहले का धर्म गतानुगतिकता से चल जाता था, पहले का धर्म केवल श्रद्धा के आधार पर चल जाता था। घर में एक व्यक्ति ने, मां जी ने पूजा कर दी, बाकी के सारे लोग निकलते हुए मत्था टेकते हुए मां जी ने हाथ रख दिया, प्रसाद दे दिया, प्रसाद खा करके पूजा हो गई, हम तो सब धार्मिक हैं, घर में भगवान की पूजा होती है, मंदिर चल सकता था। एक व्यक्ति की पूजा से पूरा घर टिकता था, अभी एक व्यक्ति की पूजा से नहीं चलेगा, सभी को हाथ में भगवद गीता लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अपने दुखों को यदि दूर करना है तो किसी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद नहीं चलेगा, आपको स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जीवन में उतारना पड़ेगा। यू विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ, मत रखना अपेक्षा कि कोई दूसरा चमत्कार कर देगा और हो जाएगा। You will have to help yourself. You will have to support yourself. और इस कार्य के लिए, और पढ़ी लिखी प्रजा है, एजुकेटेड है, केवल दूसरे ने कह दिया इसलिए मानते तो है नहीं, कन्विंस करो, आंसर ऑल ओवर वाइज। और वो करने के लिए प्रिय स्वजनों,
बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी शास्त्र की। और ये जो कार्य करे वो सबसे बड़ा दान है। आज के युग में जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान का दान देना पड़ेगा, तेज का दान देना पड़ेगा, पॉजिटिविटी का ज्ञान दान देना पड़ेगा। तो सर्वानंद भाई, आपने जो कहा ना कि प्रतिवर्ष आते रहो, इसके लिए आवश्यकता है पॉजिटिविटी का, शास्त्र के रहस्यों को जो समझाए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब धर्म स्थिर कैसे होगा? तो कहा क्षमायाम स्थाप्यते धर्म। क्षमा भाव से धर्म स्थिर होता है। आज के युग में दूसरी आवश्यकता है प्रिय स्वजनों, एवरीबडी हैज बिकम सो इंडिपेंडेंट, एवरीबडी हैज बिकम सो पावरफुल, एवरीबडी हैज बिकम सो सेंसिटिव एंड सेंटिमेंटल कि थोड़ी थोड़ी बात में स्पार्क हो जाता है। मैं फिर से कहूं, मैं राजकोट की बात नहीं करता, मैं बाहर गांव की बातें करता हूं। थोड़ी थोड़ी बात में जरा सा, देखो घर में कुछ भी हो गया, पिता पुत्र के बीच, माँ बेटी के बीच, सास बहू के बीच, पति पत्नी के बीच, भाई भाई बहन बहन के बीच, मुझे ऐसा क्यों कहा? ऐसा कह वाते वाते वहां कुपड़वा मंडू बोलो, बिकॉज पीपल हैव बिकम सो टची, पीपल हैव बिकम सो सेंसिटिव। और वो जो पीरियड है ना स्पार्क, वो लंबा चलता है। पहले जरा सा खराब भी लगता था, 5 मिनट में भूल भी जाते थे, चलो मेरी बहना है, मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरी पत्नी, अब तो लंबा चलता है। ये सेंटीमेंट जो हम बन गए हैं, इस समय हमें प्रिय स्वजनों क्षमा भाव की बहुत आवश्यकता है। टू लेट गो, छोड़ो, जाने दो। अब हम परायों की अधिक चिंता नहीं करते, उतना तो हमें आ गया है। आई डोंट केयर, वो एटीट्यूड दूसरों के लिए आ गया है, लेकिन बाहर के लिए जितना वो केयरलेस एटीट्यूड आया, उतना अपनों के लिए हम ज्यादा टची हो गए। और वो ज्यादा टची होने से हुआ क्या है, एक अदृश्य डिस्टेंस बनता जा रहा है। फिर लोग क्या कहते हैं पता है, दूर ही रहो ना, कीप सेफ डिस्टेंस। तो आत्मीय लोगों से एक सेफ डिस्टेंस, इवन हस्बैंड वाइफ में भी, हम उस समय में जीते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टच कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के फोन को टच नहीं कर सकते। एक दूसरे का पासवर्ड पूछ भी नहीं सकते, प्राइवेसी क्यों नहीं, उसको उसकी स्पेस दो, उसकी स्पेस दो। अरे ये तो एक स्पेस छोड़ करके एक होने की क्षण है ना, लेकिन एवरीबडी को वो स्पेस। तो ये सब जो मॉडर्न बातें मैं इसलिए कह रहा हूं प्रिय स्वजनों कि सुनने में मीठी लगती है, लेकिन वो हमारे रिलेशंस के बीच में गैप बनाते जाती। ये स्पेस दो, स्पेस दो से डिस्टेंस बढ़ता है प्रिय स्वजन। अननेसेसरी जरूरत नहीं है, उससे बदले क्षमा दे दो, छोड़ दो। मेरा व्यक्ति है, मेरे परिवार का है, मेरी बहना है, मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरी पत्नी, कुछ कह दिया तो क्या हो गया। क्षमा भाव से धर्म स्थिर होता है। और नष्ट तो हमें करना नहीं, लेकिन दो बातों से याद रखना, धर्म नष्ट होता है, क्रोध लोभाद विनश्यति। सत्य से जिसको आपने उत्पन्न किया, दया और दान से जिसको पाल पोस के सुदृढ़ बनाया, क्षमा से जिसको स्थिर किया, ऐसा धर्म क्रोध से नष्ट हो जाता। क्रोध का जो अग्नि है वो जला देता है। क्रोध से कैसे बचें? मैं बहुत सिंपल टेक्निक्स देता हूं, और ये टेक्निक्स ऐसी हैं कि करोगे तो परिणाम दिखेगा। सुनकर पता अच्छा लगेगा सुन के आपको, बट दीज आर द टेक्निक्स विच आर टू बी पुट इन टू प्रैक्टिस टू एक्चुअली रियलाइज द रिजल्ट्स। क्रोध को यदि अंकुश में करना है, कंट्रोल करना है, निकाल तो नहीं सकोगे, क्योंकि मैं भी नहीं निकाल पाया हूं, तो आपको तो कैसे कहूं, जो मैं करूं वो आपसे कह सकूं, लेकिन जो प्रयास करते हुए मुझे कुछ सफलता मिली है, और मैं सेमिनार्स भी लेता हूं टू मैनेज एंगर,
टू कंट्रोल एंगर, क्योंकि एंगर भी मुझे लगता है कि एक प्रकार का एनर्जी है, फोर्स है. इफ यू मैनेज इट प्रॉपरली यू कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम इट. पहला, जब भी क्रोध आए पहले तो संकल्प करो कि आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई एंगर. ये डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, मुझे मेरे क्रोध पर अंकुश करना है. जब तक ये नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. निर्णय पहला, ठीक है. दूसरा, अंकुश निर्णय करोगे फिर भी आएगा क्रोध, जब क्रोध आए तो उसको पोस्टपोन करो, पीछे धकल. किसी ने कुछ आपको पसंद नहीं ऐसी प्रवृत्ति की तो उससे कहो कि ये जो तूने किया है ना, मुझे तेरे पर बहुत क्रोध आ रहा है, शाम को 5 बजे तेरे पर क्रोध करूंगा. पोस्टपोन. हमारा क्या होता है, हम तुरंत कर लेते हैं. भूल हम ये करते हैं कि अच्छी बातों को पोस्टपोन करते हैं, बुरी बातें तुरंत करते हैं. कोई हमें अच्छी बात करने के लिए कहे कि भागवत की कथा है सुनने के लिए चलो, हाँ देखते हैं कल आएंगे, कल लास्ट पे है ना. अच्छी बातों को पोस्टपोन करते हैं. मुहूर्त देखने जाते हैं अच्छी बातों का. गलत बातों का कोई मुहूर्त देखता है? क्रोध करने से पहले कोई देखता है? जरा देखना लाभ चौगड़ी छेक नहीं आपने हमारा गुस्सा कर. वो तो तुरंत कर देंगे. क्रोध को पोस्टपोन करो दूसरा, और फिर शाम को 5 बजे कोशिश तो करो क्रोध करने की. आपको लग गया छोड़ो अब क्या करें. तीसरी बात, क्रोध जब आए तो डीप ब्रीदिंग करो. एंगर इज एन एक्साइटमेंट, और जब व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है तो उसकी ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है. अब हमेशा देखना, बहुत ज्यादा दौड़ के भी आओगे ना तो आपका ब्रीदिंग जरा इरेटिक हो जाता है, क्योंकि यार एक्साइटेड. क्रोध भी एक उत्तेजना है, उसको शांत करना होगा. तो कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग एंड स्लो ब्रीदिंग करो. और जापान की जो एक्यूप्रेशर टेक्निक है उसमें कहते हैं कि जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हो उस समय अंगूठे से ठीक नीचे की लाइन में ये 4 उंगलियों को ला करके वहां प्रेशर पॉइंट दो. तो जब डीप श्वास गहरी ले रहे हो तब प्रेशर दो, और श्वास छोड़ रहे हो तब प्रेशर छोड़ो. कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये जो अभी कर रहे हैं. करी राखू सारू कोने खबर क्यारे जरूर पड़े. तो हर 2-3 घंटे में थोड़ा 5 मिनट ऐसा डीप ब्रीदिंग करके ये प्रेशर दे के रखना. क्रोध को मैनेज करने का, कंट्रोल करने का अगला उपाय, क्रोध अग्नि है. अग्नि को शांत करने के लिए क्या चाहिए? पानी. क्रोध को यदि कंट्रोल करना है एक ग्लास ठंडा पानी पी जाए. पांचवी, क्रोध को जब दूर करना है, बहुत इफेक्टिव मैं प्रयोग करूं, आईने में देखिए, लुक इन टू द मिरर. क्योंकि क्रोध ये पशुता की इंस्टिंक्ट है. क्रोध इज, एंगर इज एन एनिमल इंस्टिंक्ट. और जब क्रोध आता है ना तो मनुष्य का चेहरा भी पशु जैसा बन जाता है. आईब्रो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ललाट पे लाइन्स आ जाएगी, आंखें लाल लाल हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, आपको आपका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा. क्योंकि एक बात है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना चेहरा अच्छा लगता है. ह्यूमन साइकोलॉजी में कहा, व्यक्ति अकेला बैठा हो कमरे में और सामने मिरर हो तो ह्यूमन नेचर है मिरर में देख के तुरंत अपने आप को सराहने लगेगा. हाँ थोड़ा सा सांवला हूं लेकिन मेरी ये जो जॉ लाइन है ना वो मेरी. प्रत्येक व्यक्ति को अपने चेहरे में कुछ न कुछ अच्छा लगता ही है. क्रोध आएगा और आप अपने मिरर में देखोगे, दर्पण में देखोगे मुखड़ा, लगेगा ऐसा पशु जैसा हूं, नहीं देखना. क्रोध को उतार दोगे आप. लेकिन ये सब बातें ध्यान रखना प्रिय सज्जन, ये सारी टेक्निक अपने क्रोध को अंकुश में लेने के लिए है. दूसरों के सामने ये प्रयोग मत करना,
दूसरा कोई व्यक्ति क्रोध करे और उसके सामने आईना लेकर जाओ तो आपकी बात आप जानो, दूसरा कोई व्यक्ति क्रोध करे और उसके सामने खड़े रह करके ऐसा ऐसा करो। रूल नंबर वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई एंगर। याद रखना प्रियो, हम जो भी कुछ कर सकते हैं धर्म के मार्ग में केवल अपने साथ कर सकते हैं, और अपना पुष्प जब खिल जाए उसकी सुगंध बाहर फैले और उससे प्रेरणा लेकर के दूसरे फूल खिले तो उनका सद्भाग्य। हम दूसरों को सुधारने के लिए नहीं है, धर्म अपने जीवन को सुधारने के लिए है। प्रिय स्वजनों, 2080 के विक्रम वर्ष में स्वयं की चेतना को जागृत करना, स्वयं की चेतना को विकसित करने का ये धर्म आप सभी में नवपल्लवित हो और बढ़ता रहे, और जिससे परिवार, पूरा समाज, राष्ट्र और विश्व लाभान्वित हो, यही परमात्मा के प्रार्थना में, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद देते हुए मेरी वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की। पालावार परिवार, जिनके भागवत कथा के निमंत्रण से इस बार मैं राजकोट में हूँ, परिवार के प्रतिनिधि सुरेश भाई और अभिषेक यहाँ पर हैं, वो कह रहे हैं आप सभी को कथा में निमंत्रण, आइए। आज छठा दिन है, अहमदाबाद में बधु सारू थवानु, कहीं चिंता करशो नहीं कम। बधु रूढ़ छे एकदम। तो आजे कथा में रासलीला अने कृष्ण रुक्मिणी विवाह नो प्रसंग छे। आप आइए, 3:30 थी 7:30, पण 8:30 थाय छे, एटले 3:30 थी शुरू करी अने एड्रेस ने बधु आपशे भाई, मारा राजूभाई कोबारू ने पूछो तो ए कहेशे। तो अवश्य आइए, આવતીકાલે કથાનો સમય સવારે છે, કારણ કે મારે પરમ દિવસથી પાછું અમદાવાદમાં શરૂ થાય છે, એટલે કાલે પછી મારે બપોરે નીકળી જવાનું છે, પણ કાલે સવારનો સમય કેટલા વાગે છે બેટા? સવારે 9:30 થી 12:15 સુધીમાં કાલે કથા પૂરી થશે। વ્યવહારમાં એવું કહેવાય કે છેલ્લા દિવસની કથા જે સાંભળે ને એને સાતેય દિવસની કથા સાંભળવાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે। બાય વન ગેટ સિક્સ ફ્રી, આવી ડીલ છે ભાઈ। તો કાલ ભી આપને એના માટે આમંત્રણ પાલા પરિવાર તરફથી। શ્રી શું ભાઈ? પ્રસાદનું ય પાછું કહે છે હો, શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય।